नंदोली पुलिस ने मध्य प्रदेश सिवनी के एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी नागपुर से गाड़ी चुराकर मध्य प्रदेश जाकर बेच देता था और अपने शौक पूरा करता था। नागपुर शहर में दोपहिया वाहन चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है। रात के अंधेरे में चोरी करने वाले अपराधी अब भर दोपहर में घटना को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। ऐसी ही एक घटना धनतोली थाना में सामने आई है। थाना क्षेत्र के अभ्यंकर रोड जो कि भीड़ भाड़ वाला परिसर है, इसी परिसर से एक शातिर चोर ने एक एक्टिवा गाड़ी चुराई है। आपके टीवी स्क्रीन पर सफेद कलर का रुमाल पहना ये जो शख्स नजर आ रहा है, इस शख्स ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। जब धनतोली पुलिस को चोरी की शिकायत मिली तो उन्होंने परिसर के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। इस फुटेज को देख साफ तौर पर लग रहा था कि इस व्यक्ति को पुलिस का खौफ नहीं है। ये एक पेट्रोल पंप पर बिना मास्क पेट्रोल भराने जाता है। आप देख सकते हैं कि वो किस अंदाज में खड़ा है। इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने इस शातिर चोर को ढूंढ निकाला है। इसका नाम है संदीप पिंडे। ये मध्य प्रदेश के सिवनी का रहवासी है। ये अपने मौज मस्ती के लिए नागपुर से गाड़ी चुरा कर मध्य प्रदेश जाकर बेचता था या फिर गिरवी रखता था, या इससे वो अपने शौक पूरे करता था। संदीप को गिरफ्त में लेने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की तो और 12 गाड़ी की चोरी की वारदातें सामने आई हैं। पुलिस ने संदीप की कबूली जवाब से 12 गाड़ी जब्त कर संदीप को गिरफ्तार कर लिया है। डायग्नोसिस पैथोलॉजी समोर अभ्यंकर रोड पर एक एक्टिवा गाड़ी चोरीला गेली होती, त्यावरून तपास पथकला मार्गदर्शन केले आणि त्यांना तेथील आजूबाजूचे सीसीटीव्ही फुटेज वगैरे बघायला सांगितले। त्यावरून आम्हाला एक गाडी घेऊन जाताना दिसून आला। त्यानंतर आम्ही तांत्रिक पद्धतीने त्याच्यावर लक्ष ठेवून त्याला आरोपीला आम्ही शिवनी मध्य प्रदेश इथून अटक केली आणि त्यास अधिक विचारपूस करता त्यांनी जवळपास 12 गाड्या चोरी केल्याचे सांगितले आणि ते सर्व डिटेक्ट करून त्याला आम्ही अरेस्ट केलेले आहे आणि सध्या तो PCR वर आहे।
कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।